हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो अभी जो आपने प्रीव्यू में देखा, सो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार की न्यू स्टाइल वीडियो को कैसे बना सकते हो। ओके, सो अगर आप इस प्रकार की वीडियो को बनाना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया था, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी काइन मास्टर ऐप की। सो अगर आपको जरा काइन मास्टर डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ पे मैंने लिंक डाल के पिन कर दिया है। या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। बट इंस्टाग्राम पे आपको मतलब जल्दी तो नहीं मिल जाएगा लिंक, क्योंकि जब मैं ऑनलाइन आता हूँ तभी मैं आपको लिंक सेंड कर पाऊँगा। अदरवाइज आपको मतलब लिंक सेंड करने मेरे को थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके, सो ये बात आप ध्यान में रखना, इंस्टाग्राम पे आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। सो अब बढ़ते हैं अपने एडिटिंग की तरफ। बहुत हो गया मतलब बात। सो अब देखो गाइस, वीडियो एडिट करने के लिए आपको काइन मास्टर में इस प्रकार से आ जाना है। फिर आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। ओके, सो नीचे जाके 9:16 का साइज सेलेक्ट करना है और नीचे जाके फिल कर देना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, सो फिर आपको मीडिया पे क्लिक करना है। जो भी आपके फोटो है, आपकी फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप देख लेना आपका जितना फोटो लग रहा है उस हिसाब से आप फोटो को मतलब एडिट कर लेना यार। सो मैं यहाँ से कुछ फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ बस आपको बताने के लिए। यहाँ पे देखो आप लोग गाइस, मैंने कुछ और ही सिलेक्ट कर लिया, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और कुछ फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ओके, सो जितना ही फ़ोटो लगता है मैं वीडियो के थोड़ा एंड में जाके मतलब थोड़ा आगे जाके बता दूंगा कि आपको कितना फ़ोटो लगने वाला है। ओके, सो अब फोटो सिलेक्ट करने के बाद अभी हमें कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले इसमें ऑडियो एड करना है। सो आपको ऑडियो पर क्लिक करना है और ये ऑडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आप उसको डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर एड कर लेना। ओके, सो मैं वो ऑडियो को एड कर लेता हूँ। सो ये हमारा ऑडियो है। ओके, सो इसको मैंने एड कर लिया है। अब एड करने के बाद देखो हमारा बीट जो है, पहला बीट यहाँ पे आके, तो यहाँ पे आप बीट मार लगा सकते हो। अदरवाइज नहीं भी लगाओगे फिर भी चलेगा, तो आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो करके, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, सो अब हमें क्या करना है, ये वाला इमेज को इस प्रकार से इसका लिंक बना के यहाँ पे आगे रख देना। ओके, सो जहाँ पे अपने बीट मार लगाया था, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, मैंने पहले बोल रखा है। सो ये देखो हमारा बीट यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे है। ओके, सो यहाँ पे आपको अपनी इमेज को ट्रिम करना है। फिर आगे जाना है, ये हमारा बीट है, ये यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमारा बीट है। ओके, सो यहाँ पे ये बराबर दिखाई दे रहा है बीट, वहीं पे हमारा बीट है। तो ये बात आप ध्यान रखना और वहीं पे अपनी इमेज को ट्रिम कर देना। ओके, सो यहाँ पे मैं अपनी इमेज को ट्रिम कर लेता हूँ। ओके, और आगे जाना है, आगे जाने के बाद यहाँ पे ट्रिम कर देना है। ये ट्रिम हो चुका है। फिर आपको आगे जाना है और यहाँ पे ट्रिम करना है, ये हमारा बीट है। सो इसी प्रकार से आपको बीट के हिसाब से अपनी इमेज को ट्रिम करते जाना है। ओके, सो गाइस यहाँ पे देखो हमारा ये जो बीट बीच में ये बीट नहीं है। सो या हमारा बीट यहाँ पे है 14.8 सेकेंड पे। ओके, सो यहाँ पे आपको ट्रिम करना है। अब गाइस 14.8 सेकेंड के बाद जो हमारे बीच में जो हिस्सा आता है ये हमारे बीट नहीं है। यहाँ पे अपनी इमेज को हम ट्रिम नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ जो यहाँ बड़ा वाला बीट आता है ना, यहाँ पे हम अपनी इमेज को ट्रिम करेंगे जो है 17.4 सेकेंड पे। ओके, सो इस प्रकार से ट्रिम करेंगे। फिर आगे जाएंगे और यहाँ पे ट्रिम कर देंगे बीच में जाके, या तो यहाँ पे कर सकते हो। इस प्रकार से आपको करते जाना है, क्योंकि इधर हमारा इमेज का जो लेंथ है छोटा हो जाएगा। सो इसी प्रकार से आपको बीट के बीच में जाके अपनी इमेज को ट्रिम करते जाना है इस प्रकार से। सो सभी इमेज को मैं ट्रिम कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। सो गाइस सभी इमेज को मैंने ट्रिम कर दिया बीट के हिसाब से। सो आपको भी बीट के हिसाब से अपनी इमेज को ट्रिम कर देना। ओके, सो मैंने जो इमेज सेलेक्ट किया है, मतलब मेरा जो इमेज लगा यहाँ पे वो लगा है 21 मतलब 21 इमेज। सो आप 21 इमेज को सिलेक्ट करके इस वीडियो को बनाना है आपको। ओके, सो अब इसको बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, पहला जो इमेज रहेगा इसमें हम क्या करेंगे, स्पॉट लाइटर से ये वाला ऐड कर लेंगे जो है 7 नंबर पे। ओके, सो स्पॉट लाइटर को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने इंटरनेट को ऑन करना है। ओके, सो इंटरनेट ऑन करने के बाद इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास ओल्ड वर्जन काइन मास्टर है तो उसमें गेट मोर का ऑप्शन होगा, तो वहाँ पर क्लिक करना है। सो ओके, अब गाइस क्या करना है, यहाँ पे मॉडर्न एंड सिंपल पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे जाना है। यहाँ पे जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको स्पॉट लाइटर मिल जाता है, ये देखो, जिसमें बर्गर या क्या फोटो बना हुआ पता नहीं। सो इस प्रकार से आपको वो जो है 7 नंबर पे उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब बाकी जो यहाँ तक इमेज है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक ये इमेज है, यहाँ तक 17.4 सेकेंड तक जो भी इमेज है सभी हम क्या करेंगे, कॉलमी डी ए से ये वाला सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कॉलमी डी जैसे ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। ओके, उससे आगे नहीं जाना है आपको, उससे एक नंबर वाला भी सिलेक्ट नहीं करना है।
सो अगर आपको कॉल मी डीजे इंस्टॉल करना नहीं आता है काइन मास्टर ऐप में, सो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर वीडियो का लिंक में डाल दूंगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप कॉल मी डीजे को इंस्टॉल कर सकते हो वो बीट सिंस ऐप से काइन मास्टर ऐप में, तो वो वीडियो को जाके आप देख सकते हो। सो अब गाइस क्या करेंगे, इसी में हम इस प्रकार से इसमें मैंने टू नोला सेलेक्ट किया था और अगला इमेज हम क्या करेंगे ये 3D मोरोला डाल देंगे, फिर अगला इमेज में 4th मोरोला ऐड कर लेंगे। सो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो और इसमें फिर से हम टू नोला सेलेक्ट कर लेंगे। सो इसी प्रकार से आपको रिपीट करना है अपनी इमेज में इस इफेक्ट को, ओके। सो ये देखो गाइस इसमें भी मैंने ऐड किया और वो सॉरी गाइस मैंने कुछ और ऐड कर लिया, अब इसमें मैं टू नोला ऐड कर लेता हूँ। अब इसको ऐड करने के बाद आगे जो हमारा इमेज है इसमें हम ऐड करेंगे जिसका नाम है 16। सो इसको भी आप बीट सीन से ही इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे भी बीट सीन से ही लिखा हुआ है, जो भी इफेक्ट के आगे बीट सीन लिखा हुआ है तो आप समझ जाना कि वो वाला इफेक्ट आप बीट सीन से ही इंस्टॉल कर सकते हो, काइन मास्टर में आपको नहीं मिलेगा। सो वो वाला वीडियो को अगर आप देख लोगे तो फिर आप सीख ही जाओगे, तो इसको भी ढूंढ के आप इंस्टॉल कर लेना, ओके। अब गाइस क्या करना है, ये जो 16 वाला ऑप्शन है ये देखो ये एक नंबर है दो नंबर है ऐसा है ना, तो आपको करना है ये दो नंबर तीन नंबर और ये जो इधर है 9 नंबर ये सिलेक्ट करना है, ओके। ये 4 नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो और जिसमें ये अटकता है ना उसको बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना है, वो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसे 2 नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें मैं 3 नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो इसमें मैं 9 नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ 16 से। सो आपको इसी प्रकार से चेंज कर करके एड करना है और जिसमें ये अटकता है ना इमेज उसको बिल्कुल भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ये 4th नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। ये जो है 8 नंबर पे मैं आपको दिखाता हूँ, 8 नंबर पे ठीक है इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो इस प्रकार से आप देख लेंगे, 1 नंबर में ये देखो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो बट इसमें नहीं करूँगा मैं, ये देखो गाइस ये देखो 10 नंबर ये देखो गाइस 11 नंबर जो हमारा इमेज कोड का रहा है तो ये हम नहीं लेंगे, 9 नंबर सिलेक्ट कर लेंगे, फिर आगे जाएंगे इसमें हम 2 नंबर ला, तो इस प्रकार से आप उसको सिलेक्ट कर लेना जिसमें आपका इमेज अच्छा से हो, आपका इमेज मतलब अटके ना, तो वो आप देख लेना सही से ध्यान में रख के और अच्छे से इसको ऐड कर लेना। सो गाइस सभी इमेज में मैं ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। सो अब गाइस सारा इफेक्ट जो ऐड हो चुका है हमारा सभी मतलब वीडियो में, अब गाइस क्या करना है, मैं इसमें एक लाइट इफेक्ट ऐड करना है, उसके लिए मैं लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और ये लाइट इफेक्ट वीडियो को ऐड करना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस करना है इसका साइज इस प्रकार से बढ़ा देना है और इसका ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन कर देना है और यहाँ पे इसका जो ऑडियो होगा उसको म्यूट कर देना है, ओके। सो ये म्यूट हो जाएगा। अब गाइस हमारा जो वीडियो बन गया है, सो आगे इस तरह मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ वीडियो कैसा बना है मेरा, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। तो वैसे जो हमारा एंड में इफेक्ट है वो भी बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, फिर आपको शेयर आइकन पे क्लिक करना है और अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी एक्सपोर्ट नहीं करना है। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।